हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतीज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रीमिक्स से स्पॉन्ज किस तरह से परफेक्ट स्पॉन्ज किस तरह से बनाया जाता है उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। स्पॉन्ज बनाने से पहले मैं आज OTG में बना रही हूँ, तो आपको OTG की सेटिंग बताती हूँ किस तरह से की जाती है। तो ये रहा मेरा OTG, या प्रेस्टीज कंपनी का OTG है 36 लीटर का। तो हम OTG में केक कैसे पैक करेंगे, पहले हमें OTG को प्री हीट करना पड़ेगा। तो प्री हीट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे जो टेम्परेचर है पहले वो सेट किया जाता है। तो 180 डिग्री पर हम पहले टेम्परेचर सेट करेंगे। उसके बाद जो नीचे वाली कॉइल है उसे ऑन करना है। देन उसके बाद 10 मिनट के लिए हम इसे प्री हीट करेंगे। उसके बाद हम इसमें अपना केक बेक होने के लिए रखेंगे। तो ये मैंने ट्रोपोलाइट कंपनी का प्रीमिक्स लिया हुआ है। ट्रोपोलाइट कंपनी का ये ऑल टाइम केक प्रीमिक्स है। तो ये वैनिला प्रीमिक्स है और इसी के लूप में मुझे मिला है चॉकलेट प्रीमिक्स। तो आज मुझे चॉकलेट केक बनाना है, इसलिए मैं चॉकलेट स्पॉन्ज बना के आपको बता रही हूँ किस तरह से बनाना है। तो 1/2 kg केक के लिए हमें 6 इंच का टिन लगेगा। थोड़े से हाइट कम चाहिए केक की, इसलिए मैंने 7 इंच का टिन लिया है। आपको 6 इंच की टिन में ओनली बटर पेपर कट करके लगाना है। पहले ये टिन हमें रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें एक 1 कप जो हमारे मेजरिंग के कप रहते हैं उसका जो सबसे बड़ा वाला कप रहेगा 1 कप, यह भर के पहले हमें चॉकलेट प्रीमिक्स लेना है। देखिए इसे इस तरीके से पूरा लेवल करके आपको लेना है। तो ये मैंने लिया है 1 कप। और 1/4 कप लेना है, 1 कप प्लस 1/4 कप लेना है। अब हमने जितना प्रीमिक्स लिया है उसका 1/2 हम वाटर लेंगे। मैंने 1/2 कप वाटर डाला और 1/4 कप का 1/2 वाटर लेंगे। ये 1/4 कप का 1/2 वाटर लेंगे। अब आपको अगर बेकरी जैसा स्पॉन्ज बनाना है तो आपको प्रीमिक्स, अगर आप स्पॉन्ज बनाना है तो आपको बीटर कंपलसरी है। तो इसमें हम बीटर से विस्क करेंगे इसे। पहले से एक विस्क देना है, नहीं तो ये पाउडर उड़ेगा। मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, एकदम हार्ड लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी एडजस्ट करने के लिए और डालेंगे। टू टेबल स्पून पानी मैंने और डाला है इसमें। मिनट तक हमें इसे फेंटना है। अब मैंने इसे 2 मिनट फेंट लिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने ऑयल डाला है इसमें। ऑयल डालने के बाद हमें सिर्फ 30 सेकंड इसे
फेंटना है। बैटर हमारा रेडी है, अब हम इसे पॉट में ट्रांसफर करेंगे, केक टिन में ट्रांसफर करेंगे। अब इसे बाउल में ट्रांसफर करने के बाद इसे हम पैक करेंगे। अब हमारा OTG प्री हीट हो गया है, तो हम इस केक टिन को इसमें ट्रांसफर करेंगे। सेंटर रैक पे रखना है आपको, नीचे वाली कॉइल ऑन करना है 180 डिग्री पर। इसे हम 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखिए फ्रेंड्स, 25 मिनट्स के बाद हमारा स्पॉन्ज बनकर बिल्कुल रेडी है। अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा तब हम इसे पॉट से केक को, इस टिन में से केक को हम निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, टिन में से स्पॉन्ज को निकालने के लिए पहले हमें इसमें नाइफ को चारों तरफ से घुमा लेंगे और फिर हम स्पॉन्ज को निकालेंगे। ये हमारा स्पॉन्ज बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ठंडा करके इस पर आइसिंग करेंगे। यह केक प्रीमिक्स आपको लोकल मार्केट में, जहाँ केक का और आइसक्रीम का सामान मिलता है, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएंगे। ये बहुत सारी कंपनी के आते हैं, ट्रिस्टीन ब्रांड का बहुत अच्छा रहता है, वो मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने ड्रॉपलाइट का लिया। तो हर जगह पर अलग अलग ब्रांड चलते हैं, तो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। रिज़ल्ट इसका भी काफ़ी अच्छा है, ड्रॉपलाइट का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। इसमें चॉकलेट, वनीला और रेड वेलवेट, तीन फ्लेवर्स आते हैं, तो आप तीनों यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।